क्योंकि हमारे दिल तेरी तरफ हैं, ऐ खुदावन। मेरे बेटे मेरी बेटियां जो यहाँ पर मस्जिद में खड़े तेरे नाम की हम तो सना कर रहे हैं, ऐ खुदावन उनकी ये प्रस्तुति तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावन तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि खुशी से खुदावन के हजूर हाजिर हो। ऐ खुदावन हम तो सना करते हुए तेरे हजूर मौजूद हैं। ऐ खुदावन आज की सारी प्रस्तुति तेरे नाम से हो। ऐ खुदावन जिस तरह किडनी पानी के नालों को तरसती है, हमारी रूह तेरे कलाम को तरसती है, खुदावन तेरी आवाज को तरसती है। ऐ खुदावन तू आज हमसे कलाम कर, आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम यहाँ पे बैठे एक एक बेटे बेटी के लिए हो। ऐ खुदावन अपना कलाम नाजिल कर और हमें भर दे। ऐ खुदावन आज का ऐ खुदावन मुबारक दिन जबकि हम अपने चर्च के लिए खुदावंत खास दिन है, खुदावंत हम ऐ खुदावंत इस सारी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। सारे प्रोग्राम को सारे अरेंजमेंट को ऐ खुदावंत जो यहाँ पर किया गया है तेरे हजूर ऐ खुदावंत तसल्ली और इत्मीनान के साथ मांग लेते हैं। खुदावंत ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उन्नीसवा बाब और उसकी 19वीं आयत से, 19वां बाब और 19वीं आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है सो वो वहां से लौटा हुआ और साफ का बेटा अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए थे जोत रहा था और वो खुद 12वीं के साथ था और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जाओ, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर जिमा किया और उन ही बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। खुदा के बादलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। हम सब जिंदा है और खुदा की हजूरी में है, इसलिए हालेलुया खुदा की तारीफ हो। आज सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च अपनी 16th एनिवर्सरी मना रहा है और उसके साथ आज कुछ नए लीडर्स को मखसूस किया जाएगा, उन्हें डेट किया जाएगा। सो लीडर्स के लिए सीखने का कलाम है, लीडर्स के लिए। खुदा इस जमीन पर कुछ भी होने देता है, कुछ भी मुराद कुछ भी होने देता है। समंदर बिफर जाते हैं तो वह बिफरने देता है, समंदर दरिया किनारे तोड़कर बाहर निकल आते आने देता है, दरख्त फ्रूट देते हैं खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा इसका इनाम का बनाने वाला है, जर्रे जर्रे का मालिक है खुदा। इस जमीन की हर चीज बल्कि पूरी कायनात की हर चीज से वाकफ है, हमसे भी वाकफ है, वो दुनिया की हर चीज को जानता है, लेकिन वो बनाए आलम से लेकर आज के दिन तक वो नूह का दौर हो, वो अब्राहम का दौर हो, वो फिरौन का और मिस्र की गुलामी का दौर हो, वो
बादशाह का दौर हो या वो इस जमीन पर यीशु मसीह की जाते अक्दस का दौर हो या उसके बाद उसके शागिर्दों का रसूलों का दौर हो या उससे भी आगे आज तक मेरे और आपके फजल का दौर हो, वो इस जमीन पर हर चीज पर निगाह करता है और वो अपने काम को, अपनी निजात के काम को, वो जो निजात मुझे और आपको देना चाहता है, वो इस रसालत के, इस निजात के, इस बहाली के, बनी नौ इंसान के साथ मोहब्बत के इजहार को कभी खराब नहीं होने देता, क्योंकि वो अपने काम के लिए हर दौर में, बुरे से बुरे दौर में वो अपने लिए लोगों को तैयार कर लेता है। बोले हालेलुया। वो ईमानदार ढूंढ लेता है, वो लीडर्स तैयार करके उन्हें अपने खेत में उतार देता है, क्योंकि उसे फिक्र है मेरी और आपकी। हालेलुया। उसे फिक्र है, वो कभी अपना काम नहीं खराब होने देता। दुनिया खराब होती है तो होती रहे, वो अपने काम को कभी खराब नहीं होने देता। उसका कलाम नाज़िल होता रहता है, उसकी बरकत जारी होती रहती है। वो अपने लिए ऐसों को जिन पर कभी किसी इंसान ने निगाह नहीं की उठा लेता और उन्हें इस्तेमाल करता और अपने जलाल के लिए उन्हें जमीन पर रखता है। अब यहां पर बाइबल मुकद्दस के ऐसे दौर का जिक्र है जिसको मौजज़ात का आगाज कहते हैं, या इसको यूं भी कहा जा सकता है, टाइटल दिया जा सकता है कि मौजज़ात की भरमार का दौर, क्योंकि यह दौर था एलिया नबी का। और एलिया वो नबी है जो खुदा के साथ ऐसा कनेक्टेड है, वो खुदा के साथ ऐसा मुंसलिक है, उसकी खुदा के साथ ऐसी नफाकत है, वो खुदा के लिए और खुदा उसके लिए ऐसा आम है कि वो जो खुदा से कहता है खुदा करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। वो कहता है और खुदा अपनी कानूने कुदरत बदल देता है। एलिया ऐसा शख्स है, आपने जब से पैदा हुए हैं आसमान से क्या बरसता देखा है? क्या बारिश बरसती है, और बारिश जब आग पर पड़ती है तो आग बुझ जाती है। कितने कुदरत है, ये आसमान के खुदा ने कुदरत के साथ अपना एक कानून बनाया है कि आसमान से पानी ही आएगा, आसमान से बारिश ही आएगी, आसमान से ठंडी चीजें आएगी, गर्म चीजें नहीं आ सकती। लेकिन एलिया वो नबी था जिसने खुदा से कहा, ए खुदा बेशक आसमान से पानी ही आता है, लेकिन मेरे लिए ये कर दे कि आसमान जहां से बारिश आती है आग आ जाए। और खुदा ने आग को भेज दिया, खुदा ने आसमान से आग नाज़िल कर दी। हालेलुया। लेकिन उससे हो गई एक गलती, उससे हो गई एक गलती, ये हो गई कि जब उसने बाल के नबियों को अटैक करना था तो उसे ये फीलिंग्स आ गई कि खुदा इन बेदीन लोगों ने तेरे सारे नबी मार दिए हैं, तेरे सारे लोग मार दिए हैं, सिर्फ मैं अकेला ही बच गया, सिर्फ मैं अकेला ही रह गया। और यही उसकी गलत फहमी थी। अगर आज मैं खादम होते हुए कहूं कि मैं कल्ला ही हूं तो ये गलत है। अगर कोई और मेरे जैसा या कोई बड़ा मशहूर खादम कह दे मैं कल्ला ही हूं तो ये उसकी गलत फहमी है। खुदा ने हर दौर में अपने लिए खालस और रास्तबाज लोग रखे होते हैं जो उसकी बात है, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके हुक्म को मानते हैं, जो उसकी कदर करते हैं, और खुदा अपना जलाल उनके वसीला से जारी करता है। साथ रहिए मेरे, है ना, साथ रहिए, बरकत पाएंगे। अब एलिया ने कह तो दिया, लेकिन फिर हुआ क्या? आइए जरा इसी हवाला के थोड़ा ऊपर चले। पंद्रहवीं अध्याय में यह लिखा है, खुदावंद ने उसे फरमाया, तू
अपने रास्ता लाकर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो हिजेल को मसा कर ईराम का बादशाह हो। पहला ऑर्डिनेट कॉन्सिक्रेशन कर रहा है, मखसूसियत कर रहा है किसकी? हिजाइल की, ईराम का बादशाह होने के लिए। और निप्सी के बेटे याहू को मसा कर कि इसराइल का बादशाह हो। सेकंड मखसूसियत, इसराइल का बादशाह मखसूस कर। और अबील मोहल्ला के अलीशा बिन साफ्त को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। तू है लेकिन अपनी जगह नबी मसा कर दे, अपनी जिंदगी में कर दे, क्योंकि तू कहता मैं अकेला ही हूं, पर तू अकेला नहीं है। आगे सुनिएगा, और ऐसा होगा कि जो हिजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल करेगा। तो भी सुनिएगा, तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। तू कहता है मैं अकेला ही हूं, 7,000 अभी और पड़े हैं जिन्होंने इब्लीस की भी मानी, जिन्होंने इब्लीस के सामने नहीं सर झुकाया, जिन्होंने इब्लीस को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं दिया। 7,000 तो अजीजों, आज आप जिस भी खिदमत में है, आप चर्च की किसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खिदमत में, आपके लिए खुशी की खबर है कि आप अकेले नहीं है। खुदा ने अभी बहुत सारे लीडर पीछे तैयार कर रखे, दे आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। सो खादम का अवली काम क्या है, खिदमत का की बुनियाद क्या है? आज मैं दो चीजें अल अलानिया सेमिनार्स में जब पढ़ाने के लिए जाता हूं, मैं वहां भी खादमों को यही सिखाता हूं कि मैं उस खादम को खादम नहीं मानता जो कहे मैं खुदा का बंदा हूं तो मेरे ने बोले ना, मैं नहीं मानता। वो किस खुदा की इबादत करता है, लोगों को क्या सिखाएगा कि भाई मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, तुम्हें लेकर जहां पर जाता हूं वो मेरे खर्चे भी पूरे करने जोगा नहीं है। देव खुदा खादम को लीडर बनाता है, और लीडर में से बरकतें ट्रांसफर होनी है। आमीन, हालेलुया। अब ये जो नीचे तीन चार आते हैं, बरकत कैसी आनी है? यहां से नीचे की तरफ बरकत ने जाना, ते जे जेड़े पिपे जो कि ओकड़ने वो आप ही खाली होएगा तो शावा की तलेगा, फिर दूजे पकौड़ी तलेगा। ओ भाई आपके अंदर है तो आप देने वाले हैं, अब खुद ही परेशान बैठे हुए, अब क्या किसी की परेशानी को दूर करें? एलिया नबी ऐसा नबी था जो बादशाह के सामने खड़ा होने वाला था, उनको यूं करके बयान करने वाला था। तो खिदमत का काम रूहों को जीतना है, खिदमत का मकसद रूहों को जीतना है, और खिदमत के लिए जो चुने जाते हैं उनको और परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम ध्यान से करें। शगिदों का दौर था, अमाल की किताब, शगिदों का दौर, और शगिद क्या करते थे? तालीम देने, सिखाने और लोगों को तबीह करने में वक्त गुजारते थे। वो यही करते थे, उनका काम यही था। ना वो खाने की फिक्र करते थे, ना वो पीने की फिक्र करते थे, ना पैसे का कोई उनको मसला।
रहा था, सुनिएगा हालात क्या थे, वहां से सुनिएगा ऐ लीडर्स ऊपर नीचे, और जो मीडिया के सूरत में सुनेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, सुनिए, अगर आप खुदा के बंदे हैं, अगर आप खुदा की खिदमत खुदा के तरीके पर कर रहे हैं, तो लिखा है लोग अपनी जायदादें अपने घर बेच बेच कर शागिर्दों के पांव के नीचे लाकर रखते थे, पांव में लाकर रखते थे। ये दौलत है, दौलत की ये बात है जिसके पीछे भागते रहते हैं। अजीजों, अगर आप खुदा के बंदे हैं तो गेट रेडी, खुदा आपके लिए सारे इंतजाम करेगा। लीडर्स बी ब्रेव, दलेर हो जाइए, खुदा पर भरोसा कीजिए, इंसान पर नहीं, खुदा पर भरोसा कीजिए। पुराने आहदनामा में तीन खिदमत का जिक्र है, तीन तरह की खिदमत थे। पहला नंबर पर खुदा नबी के वसीले बोलता था, उस वक्त का जो भी नबी था खुदा उसके वसीले बोलता था। दूसरे नंबर पे खुदा बादशाह के वसीले बात करता था, खुदा के साथ बादशाह के साथ डायरेक्ट बात करता था। और तीसरा काहिन, उस वक्त का काहिन जो है उसे खुदा बुलाता था। ये तीन खिदमत, और खुदा डायरेक्ट किसी के साथ नहीं होता था, अवाम के साथ कोई बात नहीं करता था, या तो बादशाह के साथ बात करता था, या काहिन के साथ बात करता था, या नबी के साथ बात करता था। और ये तीन ही खिदमत पुराने अहदनामा में हमें मिलती है। लेकिन खादू को ट्रांसफॉर्म किया गया, और नए अहदनामा में अगर देखें तो मेरे साथ देख लीजिएगा जरा इफिसियों चौथा बाब उसकी 11वीं आयत। और उसी ने बास को, उसी ने बास को रसूल, पहले नंबर पर रसूल, और बास को नबी, नबी, और बास को मुबशर, मुबशर, और बास को चरवाहा, चरवाहा, और उस्ताद बनाकर, और उस्ताद बनाकर, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज। पुराने अहदनामा में तीन, बादशाह, काहिन और नबी, लेकिन नए अहदनामा में पांच। ये पांच मसीह के बदन को तामीर करने, तरक्की देने में काम में आती है। और आज ये खिदमत थोड़ी सी और बढ़ गई है इंतजाम को करने के लिए, एल्डर्स और डीकन और डिकनेसेस को मखसूस किया जाता है, ताकि खुदा का काम अच्छे से अच्छा होता चला जाए, बेहतर से बेहतर होता चला जाए, खुदा का काम रुके ना, खुदा का काम किसी किस्म की रुकावट का शिकार ना हो। सो इन पांच खिदमत में उस्ताद और मुबशर की खिदमत बड़ी जबरदस्त है, और ये चार खिदमत पांचवीं के अंदर है। पांचवीं खिदमत जो कि खादम की, पास्टर की खिदमत है, ये इसके अंदर है। अंदर से मुराद ये नहीं कि वो बड़ा होता है, ये उसे जवाब दे है, नबी, रसूल, उस्ताद और मुबशर, जो कि एक्लिसिया का खादम है, उसे आकर रिपोर्ट करते हैं, हम यहां गए, हम वहां गए, और ये भेजे जाते हैं, इनको भेजा जाता है, इन्हें ट्रेट किया जाता है, इन्हें सिखाया जाता है। सोसीरो एलिया ने एलिशा को अपनी जगह मखसूस किया, और मखसूसियत का स्टाइल देखे, उसने जाते जाते अपनी चादर एलिशा के ऊपर दे दी। और एलिशा कर क्या रहा था, एलिशा एक स्टैब्लिश जिम्मेदार था, किसान था, 12 जोड़ी बैल, यानी कि कितने टके हो गए, हेलो, कितने हो गए, 24 टके, और वो जोतना था, इसका मतलब जमीन घर भांडा है सी, तदे ते 12 जोड़ियां रखियां सन। सोचिए सोचिए सोचिए, वो कोई लल्ली पल्ली, कोई नंगा पका, कोई मांगने मुंगने वाला नहीं था कि चल होर कोई नहीं काम लग गया तो चल यही कर देने, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, नो 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 नो, ऐसा नहीं है कुछ भाई, स्टैब्लिश था।
और उसने जाते जाते चौंधे डाली बाधा उसके पीछे, कहता मुझे अपने मां बाप को चूम लेने दे, प्लीज मिल लेने दे। वो कहता है, एलिया कहता मैंने तेरे साथ क्या किया, तू क्या मुझे कह रहा है? तो मेरा कह रहा है एलिशा ने क्या कहा, 440 वोट का मैं झटका लगा किया कुछ नहीं। ओ भाई जो अनॉइंटेड लोग होते हैं उनके अंदर से अनॉइंटिंग निकलती है, उनके कपड़ों के अंदर भी अनॉइंटिंग होती है, उनके हाथों के अंदर भी अनॉइंटिंग होती है, उनकी जुबान उनके अल्फाज के अंदर भी अनॉइंटिंग होती है, और वो जो कहते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। उसकी चादर जैसे पड़ी से फील हुआ कुछ हुआ और उसे कहा जा जो करना चाहता है कर ले, और उसने उस हल को जिस जोत रहा था वो बारहवीं जोड़ी पड़ी सेवा किया, उन्होंने हल तोड़े तक वापसी का राह को ना रोए, उसी से बताया शुक्रगुजारी की और फिर एलिया के साथ चला गया। ये भूल कर के खेत कितने हैं, बैल कितने हैं, जायदाद कितनी है, मामलात क्या होंगे, कैसे होंगे, वो छोड़ गया सारा कुछ ये और वो खिदमत करने लगा। किसकी? 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 नहीं, वो खिदमत करने लगा उस्ताद की, ताकि उससे ले, ताकि उससे सीखे, ताकि उसके अंदर रहे, ताकि उसकी चाड़ा सुने, ताकि उससे वो जो उसके पास है वो ले ले। और वो आपने सुना नहीं मेरे ख्याल से, तो भी इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़े, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं छुमा, ठीक है। 20वीं आयत से वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा, कहने लगा वो क्या हो गया। और 21वीं आयत का आखिरी सा देखे, तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। उस्तादों के ताबे रहिए। वो एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, जो वफादारी करना है वो अजरबा खुदा की उस्ताद कायम हो जाए। अब उस्ताद के साथ रहते बड़ा टाइम गुजरा और ये एलिया वो शख्स था, वो नबी था जिसने प्रोफेसी के स्कूल बनाए, जिन्होंने जिसने अंबिया जादों को ट्रेंड करने की दरसगाह बनाई, इसको ये भी कहा जा सकता बाइबल कॉलेजेस बनाए। ये दोनों का दौर था और पाकरू काम करता था, खुदा की नबूवत की बातें तक पहुंचती थी दोनों उस्ताद शागिर्द के पास। अब थोड़ा सा वाला लंबा है सुनिएगा। अब एलिया जिसने अलीशा को बसा किया वो इस जमीन से उठा लिया जाने वाला है और अलीशा उस्ताद की जगह लेने वाला है और खुदा के पाकरू ने बता दिया क्या होने वाला है। अब आइए आखिरी आखिरी जो उनका आपसी डायलॉग है हम उस पे बात करते हैं। दूसरा सलती दूसरा बात और उसकी पहली आयत से जरा लंबा हवाला है, जरा गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ लग जाए कि हुआ क्या। और जब खुदाबंद एलिया को पगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलिशा को साथ लेकर जुलजलाल से चला और एलिया ने एलिशा से कहा तू जरा यही ठहर जा इसलिए कि खुदाबंद ने मुझे बैतेल को भेजा। सुनिए पहली जगह जो जहां वो गए हैं वो है जलजाल। क्या जगह जी? जलजाल। ये याद रखना आपने, पहली जगह जहां गया वो है जलजाल दोनों उस्ताद शकीर। दूसरी जगह जी चलिए। और एलिया ने एलिशा से कहा तू जरा यही ठहर जा इसलिए कि खुदावन ने मुझे बैतेल को भेजा। दूसरी जगह बैतेल। एलिशा ने कहा खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए और अब्बियाज
ज़ादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर तेरे आका को उठा लेगा। सुनिएगा, बरकत की बात है। अलीशा को पता है कि एलिया अब ले लिया जाने लगा है। एलिया को पता है कि अब मैं जमीन छोड़कर जाने वाला हूं। लेकिन यहां पर ये तीसरे लोग आए हैं, ये अंबिया सादे हैं, ये ट्रेन है खुदा की बात को सुनने के लिए। ये अंबिया नबियों के बच्चे हैं जिनको ट्रेन किया गया, सिखाया गया कैसे खुदा की आवाज सुननी है। और वो उस दिन अलीशा को कह रहे हैं कि आज तेरा उस्ताद तुझसे ले लिया जाएगा। उस्ताद को भी पता मैंने जाना है, शागिर्द को पता है कि उस्ताद जाने वाला है। लेकिन ये अंबिया जादे जो है ये ट्रेड है, और इनके कानों में खुदा ने बता दिया कि लो भी एलिया जाने वाला है। जी उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यही ठहर जा क्योंकि खुदावन ने मुझे यरू को भेजा। हाँ जी, तीसरी जगह यरू को भेजा। उसने कहा, खुदा की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो उससे जान छुड़ा रहा है और वो छोड़ नहीं रहा। उस्ताद कह रहे हैं जा, ते वो जान नहीं दिया। वो कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी रूह ने बता दिया है तू अब आखिरी टाइम चल रहा है, तू जाने वाला है, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। उसके साथ रहा। और उसने पहले जलदाल, जलदाल के बाद बैतेल, बैतेल के बाद यरू। उसने कहा खुदा की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो यरू में आए और अंबियाजादे फिर वही अंबियाजादे वहां भी आ गए। अलग अलग स्कूल है जहां पर सिखाया जा रहा है। और फिर अंबियाजादे जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उसने कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदा आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, कोई नवी गल नहीं, आई नो। जिस रूह ने तुम्हें बताया है वो मुझे भी बता रहा है। यहां पर गौर से बात सुनिएगा, अलीशा ने क्या कहा, जिस रूह ने तुम्हें बताया है उसने मुझे भी बता दिया है। सो फ्रॉडियों से जरा ध्यान से रहना। फ्रॉड वाले लोग, अगर आपके लिए खुदा कुछ कह रहा है तो गेट रेडी, आपको भी कहेगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मुझे खुदा ने कहा है कि आज फला फैमिली जो है वो मेरे लिए ये करेगी, तो सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, वही रूह, वही खुदा का पाक रूह आपको पहले से तैयार करके रखेगा। तूने इसके लिए करना है। पिछले संडे ये हुआ, यस, मैंने मेडिसिन लेनी थी और उससे पहले रोटी खानी थी। अब मैं यहां से निकला हूं और मेरे भाई अपने दरवाजे पे खड़े। मैंने कहा यार मैं चर्च से चला हूं कि मैं तेरे घर के लिए हूं। कहता मनु खुदा ने पहले तैयार करके रखे है ताकि मैं तुझे खाना खिलाऊं। मैंने कहा यार मैं आए खाना खाना। सुनिए, सोचिए, मैनू पादरू ने कहता है ते उस पादरू ने अगाह नहीं दसिया। ऐसा नहीं होता। अलीशा ने कहा मुझे पता है, मुझे ना बताओ। ये जो फ्रॉड वाले होते हैं ना, फ्रॉडिये, मैं सीधा ही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मुझे खुदा ने कहा है आज ये फैमिली तुझे 5,000 देगी, वो बेचारे आप रोटी इतों बेचे होते थे तो क्या पादरू को नहीं पता था कि ये बेचारे आप कंगले गए, इनके तो आप हालात ठीक नहीं है। इसका मतलब है वो बंदा फ्रॉड लगा रहा है। और ये बड़े सख्त अल्फाज है, रूह को कहा करें कि मुझे परख दे, रूहों की परख दे। रूहों की परख अगर आपको आ जाएगी तो आपको कोई नहीं बना सकेगा। और अगर रूह आपके अंदर नहीं है, खुदा का पाक रूह काम नहीं कर रहा, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए पाक रूह के अंदर रहा करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर पाक रूह हनन्याह को कह रहा कि हनन्याह तू जाओ और फला फला जगह पर सब नामी शख्स है उसके सर पर हाथ रख और दुआ कर, तो उसकी आंखों के छिलके गिर जाएंगे। तो सिर्फ हनन्याह को नहीं कहा, आगे पौलुस को भी पहले पता था।
यह नदियां नाम एक शख्स आएगा और वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। हैलेलुया, तुझी बोल दो यार, मेहरबानी करके जरा एनर्जी जब मेरी लग रही होती है ना जरा थोड़ा बूस्टअप किया करो। अब ये उस्ताद शिगिर्द चार जगहों पर गए और इन चारों का ताल्लुक आज के लीडर्स की तामीर और तरबियत के साथ है। मैं जल्दी जल्दी इसे आगे लेके जाऊंगा। पहले नंबर पे जलदाल, जलदाल का जिक्र आया है और ये जगह जो है इसके मीनिंग से प्लेस ऑफ सर्कमसीजन, खतरा की जगह, और इसका जो मानी निकलता है वो है कांट छांट की जगह। वो उस्ताद शागिर्द को लेकर फिर रहा है और यहां से शागिर्द की कांट छांट शुरू हो रही है। अगर आप उस्ताद की डांट नहीं खा सकते, अगर आप उस्ताद की तभी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शागिर्दी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर आपके बस का काम नहीं है। कांट छांट तो होगी क्योंकि जो बेटे हैं उन्हें काटा छाटा बोलेंगे। अब अगर ना बोले तो फिर मैं इतने टेबल का कितना चढ़ देना तो आप खिलाफ देना खड़े पे खिलाफ सुन बोलो तो सही तो बोले फिर आगे जो मेहरबानी फरमा कर बोले। कांचा जिस पौधे की कांचा होती है वो ग्रो करता है, बढ़ता है, फ्रूटफुल होता है। जेड़े पौधे की कांचा नहीं होती पत्ते सुख जाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। सो प्लेस ऑफ सर्कमसीजन, खतरा की जगह, कांट छांट की जगह, तकलीफ की जगह, डांट की जगह। और याद रखिए जो शागिर्द उस्ताद की डांट खा जाता है वो किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है कहीं ना कहीं वो शाइनिंग स्टार बनकर सामने आता है। जिन्हों डांट नहीं खानी आती वो भूल जाए कि वो कामयाब होगा। ठीक है, यीशु मसीह ने कितने साथी रखे अपने साथ, और वो बारह को दिन और रात साथ ही रखता था, सिखाता था और उन्हें डांटता भी था जहां तभी की जरूरत थी तभी भी करता था। और फिर क्या हुआ जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए उन बारह ने इस पूरी दुनिया को हरा के रख दिया और पूरी दुनिया यीशु मसीह के ताबे हो गई और यीशु मसीह आज भी जिंदा उनके उनकी खिदमत को देखता है। उन्होंने खिदमत की थी, उनके शागिर्दों ने आगे की, उनके शागिर्दों ने आगे की, हमने अपने उस्तादों की और आज हमारे शागिर्द हमारी करते हैं सीखने के लिए। जैसे एलीशा एलिया के साथ जुड़ गया और वह चाहता था कि मुझे इससे सीखने को मिले। सो प्लीज उस्तादों के ताबे रहा करें। सेकंड जगह जहां पर वो गए वो है बैतेल, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी की जगह। बैत और केल इन दोनों का ताल्लुक है। उस्ताद शागिर्द को इस काबिल कर दे। पहले तो तीसरा बाब उसकी चौथी और पांचवी आए, सुनिएगा, आज आपको थोड़ी सी शागिर्द करनी पड़ेगी। शाबाश, क्योंकि खुदावंत की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक। पहले तो मतियस तीसरा बाब उसकी चौथी आए, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता। सुनिए, अपने घर का बंदोबस्त करने जो का होए वो खिदमत में आए। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा, घर का इंतजाम करने वाला हो, बंदोबस्त करने वाला हो। इसलिए एलिया एलीशा को हाउस ऑफ ब्रेड में लेकर गया, बैतेल में लेकर गया ताकि उसे यह सिखा दे कि तू इस काबिल हो कि बंदोबस्त करने वाला हो। तीसरे नंबर पे वो यरू में गया, जेरिको। जेरिको का जो मीनिंग है वो है अरोमा, स्वीट अरोमा, खुशबू, खादम की
खुशबू भी अच्छी होनी चाहिए, सातवीं आयत पढ़ी थी, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना, नेक नाम होना बड़ा जरूरी है जी, ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। अबलीस के फंदे में ना, ये जो जरा सी हवा मिलती है ना, जरा सी ऑर्डिनेशन होती है ना, जरा सा तेल लगाते हैं ना, जरा सा माइक पकड़ाते हैं ना, जरा सा जरा खड़ा करते हैं ना, ऐसे हवा फरती है और कहते हैं बस पीछे हो जाओ, मेरे जैसा तो है कोई नहीं। और जिसने तेल लगाया होता है उन्हें लून लगते हैं, जिसने तेल लगाया होता है उसको नमक लगा देते हैं। और आई हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस सालों से अब्लीस लीडर्स को पकड़ता है, आप क्लीशे को नहीं पकड़ता, लीडर्स काबू आते हैं अब्लीस के। सो लीडर्स बी केयरफुल अब्लीस के फंदों से बचे और फकर और घमंड को अपने अंदर मत आने दे। और आखिरी जगह जहां वो गया वो थी यर्द छाड़ा, ह्यूमिलिटी, इंकसारी, आजसी। इस जगह का नाम जो जॉर्डन रखा गया है ह्यूमिलिटी, यानी कि आखिरी जगह जहां पर वो गया ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी, ओना मिलना था, ऑर्डिनेशन होनी थी, तो उस वक्त तक उसके अंदर इंकसारी आ चुकी थी। लीडर बिकम अ हम्बल मैन, लाजमी है कि वो फ्रुतनो, अगर मैंने भी देखे बड़े बड़े लीडर देखे, ओहो खतरनाक लीडर, चर्च में हालेलुया ते चौक चूना दे नारे, ओहो खतरनाक होते, गाली ऐसी ऐसी कर देने के बंदे दी ऐसी दी तैसी हो जाती। भाई लीडर हो, यीशु ने कहा था वैसा ही मिजाज रखो जैसा, वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह का है। तो मसीह का मिजाज क्या था? एक गाल पे पड़े तो गुस्सा भी कर दो, है ना। तो हम क्या करते, तुम उन गल करके जाए थे इतने आ जाए तो जाएगी भी इधर, और मैंने तो यहां तक देखा है लड़ाइयां होते तू मन घूरी को पाई है खुदा दे बंदे, भाई पहाड़ गुजर जाता गुजरने दो, खादम हलीम होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज यीशु मसीह के मानने वालों, उसकी खिदमत में काम करने वालों, कवर आइए इस मिजाज को ले, इंकसारी को ले, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार कर ले। अब दो चीजें भागते और जल्दी से मैं कवर करूंगा, खादम कैसे नहीं होने चाहिए और कैसे खादम होने चाहिए। पहला तीमोथियस तीसरा बाब पहली आयत से जल्दी से भागते हुए पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम बाइबल में से सीखें कि खुदा क्या चाहता है। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का औहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, ठीक है, बस निगहबान को बेइल्जाम, पहले नंबर पे बेइल्जाम होना चाहिए जी। एक बीवी का शोहर परहेजगार, मुत्की, शाइस्ता, मुसाफिर, परवर और तालीम देने के लायक होना, और तालीम देने के चुगलखोर नहीं होना चाहिए। ऐस कर दी सुनी तो उस कर सुना देती, उस कर दी सुनी तो उस कर सुना देती, तालीम देने वाला हो, जहां बैठे अंजील की बात करे, जहां बैठे सुलह की बात करे, जहां बैठे कलाम की बात करे, जहां बैठे खुदा के मौजूदों की बात करे, चुगलियां, बखीलियां, नो। अमीन। अगर आप में से कोई ऐसा है तो बचिए, और अगर आपके घर में कोई ऐसा आता है तो हाथ जोड़ के उनको आइंदा ना तेरी मेहरबानी, क्योंकि कलाम कह रहा है तो ठीक नहीं है, दलेर हो जाए कुछ नहीं होता, कोई खा नहीं जाता, इतने चंगे चंगे उन्होंने रगड़ा ला देते,
हाँ जी आगे चलेंगे। नशा में गुल बचाने वाला नशे करने वाला है, ठीक है, या मारपीट करने वाला मारपीट है, मारपीट करने वाला ना है, ना हो बल्कि हलीम हो। हाँ जी, ना तकरारी ना सर्द हो, हलीम हो, ना पुत्रों की अनुगारा करने वाला है, तेरा नुमान पड़ा करने वाला है, नहीं 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 नो नीड, ऐसे लीडर्स नहीं चाहिए भाई, मुझको ऐसे लीडर नहीं चाहिए, उसको चाहिए जो तकरारी ना हो। बड़ी हिकमत और दनाई के साथ खुदा के कलाम को पेश करने वाले हो। हलीम हो जी, ना तकरारी, तकरारी भी नहीं होना चाहिए, ना सर दोस्त, जर लालची नहीं होना चाहिए, पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, ये बड़ी जरूरी चीज है। और अगर आपके अंदर खुदा का रूह है तो आप रूहों की परख कर लेंगे, और अगर आप रूह से खाली हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, नौटंकीबाज, धोखेबाज, चल चले या करने वाले ताड़े अगे पीछे फिर रहने दे। गेट रेडी, पकड़ लीजिए और अपने आप को बचा लीजिए। आमीन, आमीन। और अंदर कुछ होएगा तो पहचानोगे ना भाई, अंदर पहचानने की रूह है तो पहचानोगे ना, ये पहचानने की रूह ही नहीं है फिर क्या करोगे, फिर कहोगे हम आ जाते नहीं तो की करिए, फिर चाह भी मांग लेते। आगे चलेंगे। अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो, अपने बच्चों को कमाल संजीदगी सताबे रखता हो, अपने बच्चों को कमाल रखता है तो बाहर दिया नहीं, बाहर वालों को क्या सिखाएगा जब घर के अपने अंदर ही नहीं संभाल होता, ना धीया कंट्रोल च, ना पुत्र कंट्रोल च, बाहर क्या करोगे। लीडर्स बी केयरफुल, बाइबल बड़ी सख्त है, जो निगेबान का होता चाहता है बड़ी अच्छी चीज, अच्छे काम का वो उसको चुन रहा है, चूज कर रहा है, लेकिन है पंड भारी, पंड भारी। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं चाहता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों कर करेगा जी। नौ मुरीद ना हो, नौ मुरीद ना हो, मेरे से गलतियां बड़ी हुई हैं, मैं जाती तौर पर आज खुदा के हजूर खड़े होकर इस बात का इकरार कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे नौ मरीदों को फ्रंट पर पहुंचाया और बहुत जल्दी उनको ओहदे दिए और वो पलट कर इतने हैवी मेरे ऊपर हुए कि उन्होंने किरदार कशियां की, उन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर खुदा की खिदमत को खराब करने की कोशिश की, और आज तक मेरे लिए ये फैसले नुकसान दे रहे हैं। लेकिन अंजील कहती है कर तो फिर हमने करते जाना है, डरना मरना तुम क्यों डरने दे, डरना बोलेंगे तो जान छुटेगी, डरना डरना बोलो खुदा यीशु की, अब आखिरी बड़ी खूबसूरत बात आपके सामने रखते हैं जी। नौ मरीद ना हो, नवा नवा ना क्रिश्चियन होया है, अभी नया नया मसीह ना आया हो, लगड़ा लगाए उनको, अपने साथ रखे, दुख सुख में साथ रखे, उनको सिखाए, उन्हें पढ़ाए, उन्हें धीर सिखाए, और जब देखेंगे अब ये काबिल है, ये दुख सुख में खड़ा हो सकता है, तब उन्हें सामने लाए। और ये बाइबल कह रही है, और बाइबल आज ये बातें बड़े क्लियर करके कह रही है जी। आखिरी बात, नौमरीद क्यों ना हो जी, ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सी सजा ना पाए। हाँ जी, तकब्बुर करके इब्लीस की सी सजा ना पाए, प्लीज तकब्बुर ना किया करे। उस दिन को याद रखा करे जब कोई आपको वेलकम करके सामने बुलाता है, जब आपके सर पर हाथ रखता है, वो तो भूल जाते कि मैं क्या था, मैं क्या थी, और मुझे सामने लाया गया, मेरे लिए सबको छोड़कर मुझे फ्रंट लाइन पर लाकर मेरे लिए दुआ की गई, मुझे मसा किया गया, और गल्लां सारियां भुल भुला के ते उस वक्त ये कंडीशन आ जाती है, पादरी साहब हुंदे कौन ने, अरे बोलो सी भाई तुसी करदे हो ना, जी हां
नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। बादशाह कौन होते मुझे निर्माण करने वाले? ये वो है जिसने तुझे सामने खड़ा किया था, ये वो है जिसने तेरे घर में बद्रोहों का डेरा था, दुआ करके दूर किया था, ये वो है तू गुर्बत और कर्जों में फंसा हुआ था, जिसने दुआएं कर करके तुझे वहां से निकाला है, ये वो है जिसने तेरे बच्चों को कंट्रोल करना सिखाया है, ये वो है जिसने तेरे लिए रोजे रखे हैं, ये वो है जिसने तेरे लिए दुआएं की है, ये वो है जिसने तेरी नस्लों के लिए दुआएं की है, और तेरे घर के अंदर खुदा का काम हुआ है, उसको भूल गए? एलीशा कहता है तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। और यरदन ने उसने कहा, मैं उस जगह को देख कर आया हूं जहां से एलिया आसमान की तरफ गया और एलीशा वापस पलटा, मैं दरियाई यरदन को देख कर आया, मैं उस दरियाई यरदन के अंदर कई बार लोगों को बपतिस्मे देख कर आया, मैंने वो जगह देखी है। और यकीन जाने एलीशा ने आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ा। और फिर बरकत क्या पाई? एलिया ने कहा अगर तू मुझे चाहते हुए देख लेगा तो तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। आइए जरा जल्दी से आखिरी आखिरी वाला देख लेते हैं, वापस आइए फर्स्ट किंग्स में। इक्कीसवीं तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल, सॉरी ये वाला नहीं है, तो वापस आया आगे आगे जाकर सिखा भाई नहीं, तूने मेरी जान नहीं छोड़ी तो जा, तुझे चाहिए क्या? जो चाहिए तुझे दूंगा, जो चाहिए तुझे दूंगा। हमने क्या फिर मनु अपनी रूह दा, डबल स्टैंडर्ड चाहिए, मुझे दोगुना चाहिए तेरी रूह का, तेरी खिदमत का। उसे गंजा मिलेगा लेकिन जाते हुए देखेगा तो। और वो दोनों बातें करते जा रहे थे, आग का भगोला है और उसमें एलिया उठा लिया और एलीशा के यहां रह गया। और वहां पर एलीशा की कंडीशन लिखी है, एलीशा की कंडीशन ये थी, हाय मेरे बाप। आज कई लोगों को इस बात पर दुख होता है कि मेरे बच्चे खुदा के खादम को रूहानी बाप क्यों कहते हैं। वो भाई मैं तो सारे का बाप हूं, कोई कहता है कोई नहीं कहता, तो कहने कहने और ना कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो यहां पर मानने से। लेकिन हाय मेरे बाप मुझे छोड़ गया। और फिर जहां से एलिया ने खिदमत छोड़ी, एलीशा ने वहां से अपनी खिदमत का आगाज किया। हालेलुया। इसी तो अपने उस्ताद के साथ चिपके रहे, उससे ले और खुदा आपको उसी इख्तियार में रखेगा जो उस्ताद का होगा। तो यकीन जानिए आपका और मेरा खुदा आज इंतजार में है कि हम खुदा के साथ लिपटे रहे, उसके खादमों से सीखते रहे और खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों में रहे। यीशु मसीह ने अपने साथ रखा और उन्हें ट्रेन किया और फिर उन्हें भेजा, यही कहकर भेजा कि जाओ और सब कमों को। और याद रखे आखिरी बात करने लगा, गलत मुकदियां नहीं मिली एक्चुअली, उसने कहा आपके चर्च में कभी कलीसिया के लोग खराबियां पैदा नहीं करते, वो लोग खराबी पैदा करते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जो सीख चुके हैं, जो नको नको के ने उनको काम लगाए, उनसे काम ले, उनको जिनको सिखाया है उनसे काम ले। सो आज हम ऐसा ही करने वाले हैं। सो मेरे अजीजो खुदा उनके हजूर बड़ी ताबेदारी और फर्माबरदारी के साथ जिंदगी गुजारिए और खुदा उनके खादमों के साथ जुड़े रहिए ताकि आसमान खुला रहे और आप और आपके खानदान बरकत पाए। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और बड़ी दलेरी के साथ अपनी आंखें बंद करें